सो मेरा नाम प्रभा तिवारी है और मैं कोटरा आदिवासी संस्था में अभी इंडिया फेलो की तरह काम कर रही हूँ। तो ये प्रोजेक्ट हमने शुरू किया था लगभग फरवरी में, जिसमें था कि हमें मांडना को प्रमोट करना है। लेकिन कैसे करना है, क्योंकि वो दीवारों पर गाँव में घर में लोग बनाते हैं, तो हम अब लोगों को वहाँ गाँव में कैसे बुला के लाएंगे। तो एक हमने सोचा एक वर्कशॉप कराते हैं जिसपे हम उन्हें कैनवस पे कैसे बनाते हैं ये शायद सिखा सकें, तो शायद हम ऐसी एग्जीबिशन कर पाए जो आज हम कर रहे हैं। तो इस एग्जीबिशन के लिए महिलाओं को हमने छोटे से इंटरव्यू में बुलाया, जिसमें उन्होंने पेंसिल से पहले स्केचेस बनाए, और जब हमारे ट्रेनर्स ने फिर सेलेक्ट किए कि जिन जो है जो पेंसिल यूज़ करना, तो जिनको समझ में आए, क्योंकि वो यूजुअली दीवारों पर अपने लकड़ियों से या फिर उंगलियों से बनाती हैं, लेकिन इस बार जब उन्हें पेंसिल मिली थी तो उन्होंने बनाया। फिर जब वो इस वर्कशॉप के लिए आए यहाँ पे, तो ट्रेनर्स ने उनको कभी नहीं बताया कि तुम इस चीज़ की ड्राइंग बनाओ या इस चीज़ का पेंटिंग बनाओ। ये सारी चीज़ जैसे ये है कि गोदराज है, वो वहाँ पे जब भी कोई शादी होती है, कोई त्यौहार होता है, तो वहाँ अपने कुल देवी देवताओं के लिए ये बनाते हैं वो। फिर जैसे ये वाली पेंटिंग है, ये कोठी कहते हैं इसको, ये वहाँ पर एक ट्रेडिशनल एक बर्तन होता है जिसमें मिट्टी और पत्थरों का बना होता है, इसमें वो गेहूँ चावल ये सब इकट्ठा करते हैं, रखते हैं स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें वही जानते हैं हम नहीं, और इसके ऊपर डिजाइनिंग बनाना, ये वहाँ पे अपने घरों पे जैसा बनाते हैं वैसा सेम बनाया। सिर्फ एक ही चीज़ इस वर्कशॉप में हमने सिखाई, जो है कि पेपर पर क्या कैसे कलर करते हैं, बाकी सारे डिज़ाइन सारी चीज़ें उनकी खुद के। और आज जब वो महिलाएँ यहाँ पर आई, अभी 10-15 दिन पहले वो वर्कशॉप कम्प्लीट करके जा चुकी थी, फिर हमने फ्रेमिंग करा के जब एग्जीबिशन की, तो वो महिलाएं अभी जब आई थी वो कुछ लोगों के आँख में आंसू थे, वो बहुत ज़्यादा खुश थी। वो मुझे बार बार बोल रहे थे कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है, अभी सब बाहर बैठे हैं, सब बातें कर रहे हैं, अपने घर वालों को वीडियो कॉल किया। मैं वैसे तो इलाहाबाद से हूँ यूपी में, पर अभी मैं पिछले 10 महीने से इसी संस्था के साथ काम करी, कोटरा आदिवासी संस्था के साथ, और मैं वहीं कोटरा में ही रहती हूँ। तो आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से फोटो प्रदर्शनी के माध्यम से ये पूरे नगर को जो है एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से आदिवासी जीवन जीते थे, इस प्रकार से उनका दैनिक जीवन जो था वो इस प्रकार से था, इस तरह से घर हुआ करते थे, इसे बर्तन उपयोग करके किया करते, जैसे हम हड़प्पा सभ्यता में पढ़ते हैं, मोहनजोदड़ो में पढ़ते हैं, तो वहाँ हमको इसी प्रकार की बातें सीखने को मिलती है। और ये पूरी प्रदर्शनी अभी लगी हुई है आदिवासी संस्थान कोटरा की ओर से, ये पूरा प्रदर्शनी है।